सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। ये एक बहुत ज़्यादा स्पेशल वीडियो है क्योंकि गाइस आज हम लोगों ने एक बहुत ज़्यादा अच्छी सी माइनक्राफ्ट की एपिसोड बनाई है जिसको आप लोग अभी थोड़ी देर में देखने वाले हैं इंट्रो के बाद में। तो अगर आप लोगों को वाली एपिसोड ज़रा सी भी अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। सो गाइज, आज जो है माइनक्राफ्ट के अंदर एक क्विज है जिसकी मैंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा अमीर हूँ, लेकिन मेरी बहन जो है बहुत ज़्यादा गरीब है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पढ़ाकू है, तो उसने यकीनन तैयारी की होगी। तो जो है अब मेरे पास एक ही हल है, मेरे पास डायमंड्स हैं, तो वो गरीब है, तो मैं उसे डायमंड्स का लालच देकर उससे पेपर में चीटिंग कर सकता हूँ। मस्त प्लान है। तो अभी जो है मैं जल्दी से उसके पास चलता हूँ। और ये जो पीछे आप लोग ये जो घर देख रहे हैं, ये घर जो पीछे देख रहे हैं आप लोग, ये मेरा घर है। और ये जो उसके बराबर वाला जो घर है वो मेरी बहन का घर है। तो ये बिल्कुल गरीब है, सबसे छोटा घर विलेज में इसी का ही है। तो अभी जल्दी से हम लोग उसके घर में चलते हैं और उससे बात करते हैं कि डायमंड्स लेके हमें चीटिंग करा दे। सो गाइस, अब जल्दी से हम लोग जो हैं उसके घर में चलते हैं। उसका घर जो मैंने आप लोग को बताया था, ये वाला घर है उसका। यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है इकरा हाउस, ये उसी घर इसी घर में ही है। और गाइस ये ही है। तो यार इकरा, तुमने तो आज की कुछ की तैयारी की होगी ना। हाँ हाँ की है। तो सही है, तुम यार प्लीज़ मुझे चीटिंग करा दो। मेरे पास डायमंड्स हैं, मैं तुम्हें डायमंड्स दूंगा। ठीक है, तुम मुझे डायमंड्स दे देना, मैं तुम्हें चीटिंग करा दूंगी। सो गाइस, अभी मेरी इससे बात हो गई है, तो ये कह रही कि ये चीटिंग करा देगी मुझे। पक्का करा दोगी ना भाई। अरे हाँ हाँ करा दूंगी भाई। चलो सही है गाइस, इसने कह दिया कि ये चीटिंग करा देगी। और अभी थोड़ी देर बाद ही क्विज होने वाला है, तो अभी जल्दी से इसके घर से तो हम लोग चले जाते हैं। और भाई मुझे तो अभी पता भी नहीं कि क्विज में आ क्या रहा है। तो अभी आप लोगों ने देखा ना कि ये कितनी गरीब है, इसने लेदर का आर्मर पहना हुआ है। तो अभी जो है जल्दी से मैं वेट करता हूँ, जब टेस्ट होगा तो मैं आपसे मिलता हूँ। A few moments later. तो गाइस अभी मैं तो भाई सो ही रहा था, लेकिन अब मुझे पता चला, अरे भाई हमारा टेस्ट तो था 4 बजे, लेकिन हम लोग लेट हो गए। तो भाई जल्दी से बाहर चलो भाई। भाई गाइस, लगता है ये मेरी बहन भी लेट हो गई है। अरे भाई साहब वो रही। अरे गाइस, सारे के सारे जो बंदे थे वो तो वहीं पे बैठे हुए हैं। ओ भाई साहब गाइस, यहाँ पे सारे बंदे बैठे हैं कि लेदर कहाँ से आ गया, इसका थोड़ी ना टेस्ट है। ओ भाई साहब गाइस, हम लोग यहाँ पर बैठ गए हैं और यही मेरी सीट थी। अब मुझे पहली सीट पर ही आके बैठना पड़ा क्योंकि और कोई सीट खाली ही नहीं थी। और ये पता नहीं कौन सा बंदा यहाँ पे घूम रहा है, इसको तो भाई बाहर भेजो। चलो भाई गाइस, ये तो चला गया। और अभी मेरी बहन तो मेरे ख्याल में टेस्ट कर ही रही है, इसको जो जो कुछ आ रहा है ये सब कुछ कर रही है। और बाकी सारे बंदे भी कर रहे हैं, पर मुझे तो गाइस इस टेस्ट में कुछ भी नहीं आता। अरे भाई क्या तुम इतनी देर से अपना पेपर कर रही हो, मुझे तो कुछ भी नहीं आ रहा, जल्दी से मुझे भी कुछ बता दो। ठीक है चलो लिखो। पहले का आंसर है क्रीपर। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। दूसरे का आंसर है स्केलेटन। ठीक है ठीक है। तीसरे का आंसर है मॉब। हाँ, और चौथे का है चिकन। ठीक है सही है सही है सही है गाइस, मेरा हो गया है, जल्दी से मैं लिख लेता हूँ। तो भाई अभी मैंने ये सारे आंसर जो उसने बताए हैं ये लिख लिए हैं। ओ भाई ये लगता है एस्ट्रो में टॉप करूँगा। चलो अब ये तो मैंने कर लिया है। सर मेरा टेस्ट तो हो गया है। जी सर, मेरा भी हो गया टेस्ट। ओ भाई साहब गाइस, हम दोनों ने मिलके टेस्ट कर लिया है। तो भाई साहब अभी ये बुक में दे देता हूँ सर को। सब मैंने बुक फेंक दी है। तो भाई अब हम लोग तो चलते हैं भाई यहाँ से। भाई आज का टेस्ट तो मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। अरे भाई गाइस मैं भूल गया, इसको डायमंड्स भी तो देने थे मैंने। बाकी हाँ। सारे विलेजर्स जो हैं अभी तक ही बैठ के पागलों की तरह अपना टेस्ट दे रहे हैं। और भाई चलो ये लो तुम अपने डायमंड्स, तो मैं डायमंड्स दे देता हूँ। गाइस मैंने ये इसको डायमंड्स दे दिए हैं, जाओ जाके ऐश करो। ठीक है चलो जाओ जल्दी। तो गाइस अभी मैंने इसको डायमंड्स भी दी और भाई अब तो मुझे लगता है मैं टॉप करूंगा क्योंकि मैंने सारे आंसर्स बिल्कुल सही सही कर दिए। सो गाइस अब आज जो है माइनक्राफ्ट के क्विज का रिजल्ट का दिन है। तो भाई सब लोग अभी पहुंच गए होंगे। अरे भाई इधर आओ, इधर एकरा, तुमने डायमंड का आर्मर बना लिया जो मैंने तुम्हें दिया था। हाँ, वो तो मैंने उसी दिन बना लिया था जिस दिन तुमने मुझे डायमंड्स दिए थे। अच्छा भाई चलो भाई, अब गाइस इसकी भी अमीरी आ गई है। तो भाई जल्दी से अभी हम लोग चलते हैं, अभी हमारा जो है टेस्ट का रिजल्ट आएगा थोड़ी देर में। और ये सब भी बैठे हुए हैं रिजल्ट के इंतजार में। तो भाई अभी हम लोग बैठ गए हैं यहाँ पर। ए लड़के, तुम हमेशा की तरह इस बार भी फेल हो गए हो। क्या, मैं इस बार भी फेल हो गया? अरे यार मैं फिर से फेल हो गया।
और तुम्हारी बहन ने हमेशा की तरह इस बार भी टॉप किया है। ये! अरे काल इसने मुझे सारे गलत आंसर बता दिए और ये भागने की कोशिश कर रही है, इसको तो मैं पकड़ के ही रहूंगा। ओ गाइस इसने मुझे सारे गलत आंसर बता दिए, रुक जाओ बेटा किधर भागोगी। अरे गाइस ये बहुत तेज तेज भाग रही है। अरे यार, अरे भाई साहब ये बहुत तेज भाग रही है यार। गाइस ये बहुत तेज भाग रही है और मैं फेल हो गया टेस्ट में, इसने मुझे फेल करा दिया टेस्ट में। मत मारो मुझे। अरे गाइस ये लगता है अभी पानी में फंस गई है वो भाई। अरे मुझे निकालो, मैं बाहर नहीं आ पा रही। अरे गाइस ये तेरी पागल है, गाइस ये पानी में चली गई है, ये लगता है पानी के डैमेज से मर जाएगी। प्लीज मुझे निकाल दो। अरे कोई वही नहीं निकालने वाले आना। सो गाइस उम्मीद है आप लोगों को ये वाली माइनक्राफ्ट की जो है अच्छी ड्रामा अच्छा लगा होगा। अगर ये ड्रामा जरा सा भी अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मेरी बहन भी जो है अभी मरने ही वाली होगी, तो आप लोगों को ये वाली वीडियो जरा सी भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिल जाएंगे वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और इकरा भी मर गई गाइस।